सो गाइज, आज हमारा यूनिक रेसिपी है जिसका नाम है अफगानी चिकन। ये आटे के अंदर पकता है, रोस्टेड होता है, स्लो कुक होता है, थोड़ा टाइम लगता है, बट देख सकते हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट है। आप इसको हाथ से उठाते वक्त ही अपने आप ही टूट जाएगा। देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ इसका रेसिपी के बारे में, जो कि हमारे किचन में बिल्कुल अवेलेबल हो जाता है। तो यहाँ पर मैं एक चिकन लिया हूँ जो कि होल चिकन है और ये स्किन वाला चिकन है। तो इसको आपको साफ़ करना है, कागज़ या कपड़ा लेके अच्छी तरह साफ़ करना है इसको, कि इसके अंदर पानी ना रहे। तो इसको हमें ब्रेस्ट जहाँ पे है इसका, तो ब्रेस्ट से ही हमें कट करना है। ब्रेस्ट के अंदर से जो बोन है, वो बोन को हमें निकालना है। तो ब्रेस्ट को काट के दोनों साइड से हम छील देंगे और बोन को आराम से निकाल देंगे। आपको दोनों साइड से काटना है धीरे धीरे, थोड़ा सा मेहनत होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको आराम से करिए। बट बाद में जब ये बन जाता है तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, जब भी आप किसी को सर्व करेंगे तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं ये गर्दन को थोड़ा काट देता हूँ। अब देखिए मैंने ये काट दिया और पीछे वाला स्किन भी वैसे ही है, चमड़ी है पीछे वाला वो भी वैसे ही, देख सकते हैं आप। ये पूरा चिकन हमारा निकल गया। नीचे वाला जो बोन है वो हम नहीं काटेंगे, क्योंकि उसको अगर मैं काट दिया तो उसका एक लुक ख़राब हो जाएगा। तो दो मैंने यहाँ पे ब्रेस्ट ले लिया, ब्रेस्ट को मैं काट रहा हूँ। ब्रेस्ट को हमें चॉप करना है। तो ब्रेस्ट जो मैंने लिया ये थोड़ा फ्रोजन था और इसीलिए काटने में मुझे ईजी हो रहा है। आप जब भी ब्रेस्ट लेंगे तो वो बिल्कुल सॉफ्ट होगा, तो आपको क्या करना है, अच्छी तरह काटना है, नहीं तो नाइफ़ आपके हाथ में लग सकता है। तो मैं इसको पहले स्लाइस कर रहा हूँ, फिर इसको चॉप कर दूँगा। देखिए ऐसे धीरे धीरे चॉप करना है इसको आराम से। बिल्कुल फाइन चॉप करना है। अभी ये हमारा चिकन डन और जो कीमा है वो भी तैयार हो चुका है। कुछ मसाला अभी हम यूज करेंगे और मैं आपको बताते जाऊंगा वो मसाला आपको तैयार करना है। कुछ ज़्यादा बाहर से मसाला लाने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारे किचन में अवेलेबल होता है वही मसाले से हम काम चला लेंगे। तो इसको मैं अलग रख देता हूँ और इसी बर्तन में मसाले बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है सरसों का तेल, जो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा क्वांटिटी उसी के हिसाब से डालना। सरसों का तेल ले लिया, उसके बाद मिर्ची पाउडर कलर के लिए, हल्दी पाउडर, यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर ले लिया एक चम्मच, चिकन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जीरा पाउडर एक चम्मच, गरम मसाला एक चम्मच, यहाँ मैंने हरी मिर्च का पेस्ट लिया दो चम्मच, थोड़ा स्पाइसी रहता है तो अच्छा लगता है स्लो कुकड में, और ये चिकन के लिए है रेसिपी, अफगानी रेसिपी है तो थोड़ा स्पाइसी मैंने बनाया। और धनिया की जो जड़ें होते हैं ना, उसको मैंने साफ़ करके थोड़ा सा तेल डाल के पीस रखा था कि उसका कलर ना फेड हो, वो दो चम्मच मैंने यूज कर लिया। अभी हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, वो भी दो चम्मच यूज करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट ध्यान रखना कि ज़्यादा ना डालें, क्योंकि उसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो इसका पेस्ट हमने बना लिया। अभी मैंने चिकन डाल दिया, चिकन को अच्छी तरह मसलना है इसके, पूरा मतलब कि हाथ से आपको पूरा चिकन में लेप करना है, जैसे मसाज होता ना वैसे ही मसाज करना है पूरा चिकन को, तब जाके अंदर तक मसाले जाएगा और बहुत ही टेस्टी होगा और सॉफ्ट बनेगा। सॉफ्ट के साथ धीरे धीरे ये स्लो कुक्ड होगा और जो चिकन है उसमें मसाला लग जाएगा और सही से पकेगा और मसाले के साथ स्वाद भी आएगा धीरे धीरे ये पकता रहेगा। तो चलिए ये हमारा बन गया, इसको मैं अलग से बर्तन में दे देता हूँ। अब भी जो मसाला हमारा यहाँ पे बचा हुआ है ना, जो मसाला थोड़ा सा बचा हुआ है, इसमें जो हम कीमा बनाए थे वो कीमा डाल देंगे इसमें। तो कीमा को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा मैं सॉल्ट भी ऐड करूँगा,
मुझे लगता है कि सॉल्ट थोड़ा कम हो सकता है। सो अच्छी तरह मिक्स करें। इसमें यहाँ पे मैं और कुछ भी मसाला मतलब डाल नहीं रहा हूँ। जी हमारा कीमा बन के तैयार। अभी चिकन को लाऊंगा। अभी चिकन के अंदर कीमा भरना है। इसमें पहले गर्दन में डाल देता हूँ कीमा। गर्दन में भरना है हमें कीमा। और बीच का पार्ट तो बिल्कुल खाली है, तो उसमें भी हम कीमा भर देंगे। हमारे पास बहुत सारा कीमा है, तो उसमें भी कीमा भर देंगे। अब ये बनाते टाइम सरसों का तेल ही लेना, क्योंकि हमारे इंडियन कुजिन के लिए सरसों का तेल बहुत ही बेस्ट रहता है चिकन के लिए, बाकी सब्जियों के लिए। ये भर के तैयार कर देता हूँ। अब देखिए इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल रेड लग रहा है। तो अभी मैंने एक लेगन ले लिया। यहाँ पे एक एक केजी आटा और मैदा दोनों मिक्स किया हूँ। खाली अगर आटा लेता ना, तो जब स्लो कुक्ड होता तो आटा काले पड़ जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगते। हमें थोड़ा आटे के ऊपर भी बहुत अच्छा कलर लाना है, जैसे लाइक गोल्डन कलर दिखे। तो इसको अच्छी तरह आटे को भी भून देंगे। जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं ना, सेम वैसे ही आटा गूंथना है हमारे चिकन के लिए। तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं ढक कर रख देता हूँ कि ताकि अच्छा बन जाए। अभी इसका हम एक बढ़िया सा चादर टाइप का बनाएंगे, जैसे बड़ा सा पराठा है वैसे बड़ा सा पराठे के लिए तो हम बनाएंगे इसको। और इसका जो मोटी परत बनेगा लाइक 3 mm होना चाहिए, 3 mm टू 4 mm। चलिए आपको बेल के ऐसे ही तैयार करना है, थोड़ा सा बड़ा बनाना है, ताकि हम जैसे फोल्ड करें ना, चिकन हमारा बीच में ही रह जाए, क्योंकि बाद में ये फट जाता है, क्योंकि ये स्लो कुक्ड होगा तो ये फट जाता है। ऐसे आपको फोल्ड करना है। थोड़ा सा हाथ में पानी लेना है और आटे जहाँ हम इसको सील्ड करेंगे उसमें लगाना है। अब दोनों साइड थोड़ा बेल देना है पतला करके, कि अच्छा तरह रैप कर देंगे इसको। अभी हमारा पूरा बनके तैयार हो गया आटा चिकन। अभी इसको हम क्या करेंगे, रोस्ट करेंगे, ओवन में रोस्ट करेंगे। आपके पास ओवन होगा तो ये बहुत अच्छा है, नहीं तो तंदूर में रोस्ट होता है। ये मैं आपको होटल में जैसे बनता है वो दिखा रहा हूँ। अभी मैं कैंची लिया हूँ, कैंची से इसको धीरे धीरे काट दूँगा कि चिकन का लुक आए। लीजिए अब थोड़ा सा बाकी इसको भी काट देता हूँ, साइड से और थोड़ा काट देता हूँ। ये बटर डाल दिया इसके ऊपर और डाल दिया ओवन के अंदर। तो ये हमारे 2 घंटे के लिए स्लो कुक्ड होगा 150 डिग्री सेल्सियस में, और 2 घंटे के लिए इसको हम बना दें। ये 120 डन, ये डन हो गया। अभी ये पकेगा, तो इसके लिए हम थोड़ा सा सलाद के लिए काट देंगे, क्योंकि हम चिकन या मटन कुछ भी हम घर पे बनाते हैं तो सलाद हमारा बहुत ज़रूरी है। तो सलाद बनाने के लिए मैं 2 प्याज लिया हूँ, उसको राउंड राउंड काटूँगा। थोड़ा मोटी राउंड काटूँगा कि ना खाने में अच्छा लगे। ग्रीन चिल्ली भी स्लेट कर रखा हूँ, और टमाटर काटेंगे। टमाटर को जूलियन करेंगे। टमाटर की सीड बिल्कुल अच्छी तरह निकाल देंगे, क्योंकि टमाटर की सीड अच्छा नहीं लगता, वो पानी पानी हो जाएगा। जैसे हम उसमें सॉल्ट और लाल मिर्च पाउडर और लेमन डालेंगे तो पानी छोड़ देता है, तो टमाटर को हम सीडलेस कर लेंगे।
वो जो टमाटर हमारे सीडलेस हो गया, अभी लेमन स्लाइस करके थोड़ा सा सॉल्ट और दही मिर्च पाउडर, थोड़ा सा एक लेमन, और इसको मिक्स करके रख देंगे इसके साथ। ये एक्चुअली हमारा चखना बन गया देसी स्टाइल। मैं ये सारा प्रिपरेशन करके रख रहा हूँ, तब तक चिकन हमारा पक रहा है, तो चिकन को भी हमारा टाइम लगेगा, तब तक ये सारा बन जाना चाहिए कि जब भी आप सर्व करें एक अलग सा लुक आए। सो दो घंटे हो चुके हैं और हमारा चिकन भी बन के तैयार है। ये देख सकते हैं बढ़िया सा कलर आया है। चलिए इसको काटते हैं और इसको सर्व करते हैं। इतना अच्छी तरह पकाना, मैं बोला था ना आपको कि नीचे से ये फट जाता है, तो अच्छी तरह सील्ड करना है। तो कोई बात नहीं, इसके ऊपर मैंने बटर लगा दिया कि थोड़ा अच्छा दिखे जब भी आप सर्व करें। दिख रहा है ना मस्त। तो अभी इसको हम काटेंगे। ये मैं ब्रेड नाइफ लिया हूँ। अब जब भी आप कोई नाइफ ले तो थोड़ा जैसे करत होता ना वैसे ही नाइफ लेना है और उसको काटना है, क्योंकि प्लेन नाइफ में हम काटेंगे तो ये फिसल सकता है, हमारे हाथ में लग सकता है। तो चारों तरफ से एक बढ़िया से काटेंगे, जैसे कछुआ का कवर होता है ना ऊपर का, सेम वैसे ही दिखेगा। ये ऊपर का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रखा है और काटने में भी थोड़ा परेशानी हो रही है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम काट लेंगे इसको चारों तरफ से बढ़िया से राउंड शेप में। अब ये बन चुका है, अब मैं इसको खोलूँगा, देखना कितना मस्त बना है। ये लीजिए, हमारा चिकन बिल्कुल स्लो कुक हुआ है और बिल्कुल पक चुका है। देख सकते हैं आप, ऐसे ही आपको बनाना है, थोड़ा टाइम लगता है बट सबसे बेस्ट बनता है। तो ये है हमारे अफगानी चिकन बनके तैयार। देखिए बिल्कुल परफेक्ट बना है, जैसे बनना चाहिए। अब इसको हम तोड़ेंगे, देख सकते हैं जैसे मैं छू रहा हूँ ये अपने आप टूट रहा है। अभी एक लेग को तोड़ लेता हूँ, देखिए अपने आप ही गिर गया, टूट गया। सो वीडियो आपको कैसे लगा ज़रूर मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, और नेक्स्ट वीडियो में किसके ऊपर बनाऊँ वो भी लिखना है। आपके पास अगर कुछ यूनिक रेसिपी है प्लीज़ मुझे सेंड करें। सो गाइस, वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, आज का रेसिपी का अफगानी चिकन। तो वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो और एक यूनिक रेसिपी के साथ चल